नेपोटिज्म 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 भाई, चारों तरफ आग लगी हुई है। लोग बहुत ही भड़के हुए हैं। जनता ने अपने गुस्से से कुछ वीडियोस के डिसलाइक बटन्स की ऐसी की तैसी कर दी है। और ऐसे माहौल में, मतलब ऐसे भड़के हुए माहौल में, वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर, उन्होंने पेट्रोल डाल दिया है। और ये सुन के कसम से मुझे रोना आ गया। नहीं, सच में रोहित सर, मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ। आपका काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, खास करके आपकी जो जर्नी रही है यहाँ तक पहुँचने की, वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। मैंने कई जगह पर आपकी स्टोरी कवर की है, और फिर से इस चैनल के ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं रोहित शेट्टी की बायोग्राफी आप सबको बताऊंगा। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है। लेकिन सर, आपने कपिल शर्मा के शो में जो बोल दिया है ना, वो सुन के तो मुझे रोना आ गया। लेकिन आज ये क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। बात एक्चुअली बहुत ही पुरानी है, मतलब चिंगारी बहुत ही पुरानी है भैया, लेकिन आग अभी भड़क उठी है। तो भाई, हुआ यूं कि रोहित सर और उनकी टीम कपिल शर्मा के शो में गए थे अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए। वहां पर रोहित शेट्टी ने कहा कि जारा अली खान उनकी ऑफिस में आई थी, और उसने ऐसे मतलब हाथ जोड़ के उनसे कहा कि सर मुझे काम की जरूरत है, मुझे काम चाहिए। सारा अली खान, सैफ अली खान की लड़की, अमृता सिंह की लड़की, ऐसे चल के वहां पर। एक मिनट कुछ सर, वो सर, क्या हुआ? करेक्शन है सर। करेक्शन है? हाँ, क्या क्या गलती क्या है? अकेले चल के सर, अकेले भूल गए, अकेले भूल गए। ओके, तो वो अकेले चल के तो भाई जारा अली खान अकेले चल के मेरी ऑफिस में आई, और फिर उसने कहा कि सर मुझे काम चाहिए। तो ये सुन के मुझे रोना आ गया। अरे मैंने बोला तू पिक्चर कर ले, क्या बात है। नहीं, मतलब रोहित सर, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, कसम से। मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ और आगे भी रहूंगा सर, लेकिन मतलब ये तो क्या बात हो गई सर। मतलब कल कोई भी बड़े इंसान का लड़का या लड़की आपके ऑफिस में आके ऐसे करेगा कि मुझे काम की जरूरत है, और फिर आप कहोगे मुझे रोना आ गया, तो ऐसा मतलब कैसे चलेगा सर? हजारों लोग ऐसे है जो सालों तक ऑडिशन देते हैं सर, इतना अपने आप को रगड़ते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं सर, उन सबको देख के तो कोई नहीं बोलता है कि एनीवे चलो जो भी हुआ। लेकिन रोहित सर के जितने फैंस है लाइक मी, जिनको रोहित सर का डायरेक्शन अच्छा लगता है, उनका काम अच्छा लगता है, उनके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रोहित शेट्टी की जीरो से लेकर अभी तक की पूरी जर्नी डिटेल में बताऊंगा कि उन्होंने कितनी स्ट्रगल की है, कैसे कैसे सब कुछ अचीव किया है। बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है। लेकिन रोहित सर, अब आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपका जो वीडियो क्लिप वायरल हुआ है वो कहाँ तक जाएगा? क्योंकि सर, ये जो जनता है ना, विनोद को अगर नासा तक पहुंचा सकती है, तो सर आप तो रोहित सर है, तो ये वीडियो कहाँ तक जाएगा? और ये सोच के सर, कसम से मुझे रोना आ गया।